बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना बायो 101 का टॉपिक नंबर 120 से ऑनवर्ड करते हैं। आज का जो लेक्चर है ना, आज हम लोग टॉपिक नंबर 120 से लेकर टॉपिक नंबर 123 तक हम लोग इसमें कवर करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ना, इसमें हम लोग वर्टिब्रेट्स की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो वाले जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो मेन इनकी करेक्टरिस्टिक्स वर्टिब्रेट्स के यही होते हैं कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, और इनकी पूरी लाइफ के दौरान तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कि एक तो नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड का मतलब ये होता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो कार्टिलेज की शक्ल में होती है। अच्छा, हड्डियाँ दो तरह की होती है ना, एक कार्टिलेज बोन होती है, ठीक है, मतलब वो थोड़ी नरम होती है हड्डी, ठीक है, और एक जो दूसरी बोन होती है सख्त वाली। तो जब एम्ब्री होते हैं, जब बच्चे की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, तो उस वक्त नोटोकॉर्ड होता है उसके अंदर। उसके बाद नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी कि नर्व्स जो है ना, उनका पूरा गुच्छा उनकी बॉडी में पाया जाता है। और उसके अलावा फेरेंजियल स्लिट्स, फेरेंजियल स्लिट्स का ये मतलब होता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो सांस वाली वो ओपनिंग जहाँ पे हवा इंटर हो रही होती है आउटसाइड, और जहाँ पे इंटर हो रही होती है और आउटसाइड मूव कर रही होती है ना हवा, ठीक है, सांस यानी कि वो जो एक ओपनिंग होती है ना, उसको हम लोग फेरेंजियल स्लिट्स बोलते हैं। तो ये तीन तरह के करेक्टरिस्टिक्स मेन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में पांच जो है ना, इसकी डिविजन्स आती हैं। एक होती हैं फिशेस, उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। हम इसको बारी बारी स्टडी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में वो कह सकते हैं कि भाई हमें वर्टिब्रेट्स के बारे में एक्सप्लेन करें, तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले फिशेस की बात करते हैं। आपको पता है कि ये पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरीन हैबिटेट्स यानी कि समुद्रों में भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा हर जगह हमें देखने को मिलती हैं। बोनी भी होती हैं, यानी कि वो होती हैं इनके अंदर सख्त हड्डियाँ पाई जाती हैं। कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो कार्टिलेजनस होती हैं, इनके अंदर नरम हड्डी पाई जाती है। इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए। रिस्पायरेशन वाले टॉपिक्स में हम लोग गिल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इनका जो हार्ट होता है ना, वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है, यानी कि इसमें बस ऐसा होता है कि दिल से जो है ना, वो खून फेफड़ों की तरफ जाता है, लेकिन फेफड़ों से वापस दिल की तरफ नहीं आता, बस बॉडी की तरफ ही जाता है। और इनके जो हार्ट होते हैं ना, इसके 5 चैम्बर्स होते हैं। स्ट्रीम लाइन यानी कि लंबी सी और स्लिम सी, पतली सी इनकी बॉडी होती है। एक्टोथर्म्स होते हैं। अच्छा, दो तरह की करेक्टरिस्टिक्स, एक होती हैं एंडोथर्म और एक होती हैं एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स का मतलब होता है वो वाले जानवर जो इर्द गिर्द जैसे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है ना, ठीक है, तो उनकी मतलब बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता, मतलब आउटसाइड द एनवायरनमेंट के हिसाब से ही वो जो है ना, वो अपने टेम्परेचर को अडेप्ट करती रहती हैं। और इंडोथर्म्स वो होते हैं जो कि इनसाइड द बॉडी भी उनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है। फिशेस के एक तो होते हैं फिन्स होते हैं। फिन्स यानी कि वो जो अपेंडेजेस का वैसे मतलब होता है पाँव, तो फिन्स के थ्रू ही फिशेज मूव करती हैं, इसलिए फिन्स को हम लोग अपेंडेजेस बोलते हैं। इनकी टेल होती है, दुम होती है। तालाबों में खुद भी इसको ग्रो करवाया जाता है नेचुरल हैबिटेट से, यानी कि कुदरती जो पानी वाली जितने भी होती हैं झीलें वगैरह, समुद्र वगैरह से, वहाँ से पकड़ के इसको खुद ग्रो करवाया जाता है। प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती हैं, ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यानी कि जेवरात बनाने के लिए भी इनको कल्चर किया जाता है। रूहू, काफ, शार्क्स और इलेक्ट्रिक रेज, ये इसकी एग्जांपल्स उन्होंने बताई हुई हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? वो वाले जानवर जो कि पानी में भी रहते हैं और फिर खुश्की में भी रहते हैं, वो होते हैं एम्फीबियंस। जैसे ये वाला जो फ्रॉग होता है, ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। इनके गिल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जब पानी में रहता है तो गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं, फेफड़ों की मदद से भी सांस लेते हैं, और इनके अंदर क्यूटनेस रिस्पायरेशन भी होती है, यानी कि अपनी स्किन से भी ये सांस लेते रहते हैं। इनका जो हार्ट होता है ना, अच्छा, फिश का हमने हार्ट देखा है कि सिंगल सर्किट होता है और 5 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो एम्फीबियंस का जो होता है ना, डबल सर्किट होता है और 5 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। इसमें ब्लड मिक्स होता रहता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो तरह का ही ब्लड इनके हार्ट के अंदर होता है। इनकी जो लाइफ होती है पानी में भी गुजरती है, कुछ इनकी खुश्की पे लाइफ गुजरती है। बहुत ज़्यादा ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये अपने बच्चों की कोई केयर नहीं करते। एक्टोथर्म्स होते हैं ये भी, और इसमें एग्जांपल्स हैं फ्रॉग्स एंड टोड्स की। अच्छा, रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं?
इनमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं समुद्रों वगैरह में, और इवन कि ये जो बहुत ज़्यादा ड्राई हैबिटेट्स होते हैं यानी कि सहरा वगैरह, वहाँ पे भी ये रह लेते हैं, खुश्की पे भी रहते हैं ये वाले जानवर। एक्टोथर्म होते हैं, इनकी स्किन खुरदरी सी होती है, स्केली सी होती है। इनका जो हार्ट होता है ना वो डबल सर्किट होता है और फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। लिजर्ड्स, कैमिलियन, कैमिलियन होता है गिरगिट, ठीक है, उसके बाद टर्टल्स, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, गैवियल, ये सारे रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल होती हैं। उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स का एरियल मोड ऑफ लाइफ होता है यानी कि ये हवा में उड़ भी सकते हैं, खुश्की पे रहते हैं, और इनकी जो आगे वाली जो बाजू होते हैं ना वो विंग्स में मॉडिफाई हुए हुए होते हैं, यानी कि वो विंग्स के तौर पे, मतलब विंग्स को ही हम लोग इनके आगे वाली जो है वो बाजू बोलते हैं। एंडोथर्म्स होते हैं यानी कि इनका अंदर बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। रिस्पायरेशन के लिए इनके अंदर लंग्स यानी कि फेफड़े और एयर सैक्स मौजूद होती हैं। इवन कि ये वाली एयर सैक्स इनके हड्डियों के अंदर भी मौजूद होती हैं, इसी वजह से इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना वो हॉलो बोन्स होती हैं, यानी कि उनमें होता है कि एयर सैक्स पाई जाती है और उनकी हड्डियाँ बहुत ही वज़न में बहुत ही हल्की सी होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं। ये बहुत थोड़े से एग्स ये देते हैं और ये पेरेंटल केयर करते हैं, अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, दाने भी खाते हैं, और ये ओमनीवोर्स भी होते हैं। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं यानी कि कार्निवोर्स को भी खा जाते हैं, इस वजह से हम लोग इनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। जैसे हॉक होता है, चीले वगैरह, वो सांप को भी खा लेती हैं। पैरट्स, पिजन्स, पीकॉक, पेलिकान, किंगफिशर, ये सारी बर्ड्स की ही टाइप्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं मैमल्स कौन से होते हैं। मैमल्स असल में वो होते हैं जानवर जो कि दूध पिलाते हैं ना, ये वो वाले मैमल्स वो जानवर होते हैं, ठीक है। इसमें इंसान, उसके बाद ये जो दूसरे जितने भी जानवर हैं दूध पिलाने वाले, गाय, भैंसें, बकरियां, ये सारे मैमल्स में आते हैं। मैमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंडोथर्म्स होते हैं, इनका अंदरूनी बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है यानी कि इनको बुखार वगैरह हो सकता है, बर्ड्स को भी होता है, बाकियों को नहीं होता। अच्छा, इनका जो हार्ट होता है ना वो फोर चैम्बर्ड होता है। हम पता है ना हमारा जो दिल होता है, हमने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है पिछले लेसन में। फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, हमारे ब्रेन्स यानी कि दिमाग बहुत ज़्यादा हाई डिवेलप्ड होते हैं। जो बच्चों को पैदा किया जाता है यानी कि अंडे नहीं दिए जाते बल्कि बच्चे पैदा ये करते हैं मैमल्स, और जो इनकी माएँ होती हैं वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी केयर भी करती हैं। जो मैमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे बाल भी होते हैं, ठीक है, जिससे इनसे इनको जो ना इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाना वो प्रोवाइड करते हैं। स्किन मोटी होती है और स्किन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं यानी कि अगर स्किन के थ्रू हम लोग महसूस कर सकते हैं चीज़ ठंडी है, गर्म है, नोकीली है, किस किस्म की है। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। हर्बीवोर्स भी होते हैं यानी कि कुछ ऐसे होते हैं मैमल्स जो कि सिर्फ घास खाते हैं, और कुछ ओमनीवोर्स भी होते हैं यानी कि ऐसे होते हैं जो कि कार्निवोर्स यानी दूसरे गोश्त खाने वाले जानवरों को खा लेते हैं। जैसे हम लोग अब इंसान है ना, हम लोग ओमनीवोर्स में आते हैं, हम लोग जानवरों को भी खा लेते हैं। हर्बीवोर्स में आ जाती हैं बकरियां वगैरह, ठीक है। अच्छा, वर्टीब्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। वर्टीब्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे फूड चेन और फूड वेब में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी नेचर में ब्यूटी और डाइवर्सिटी आती है। आप लोग खाली फिशेज़ की एग्जाम्पल ले लें, एक्वेरियम में फिशेज़ कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ह्यूमन बींग्स को प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं जैसे एग, मिल्क, मीट, हनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग वर्टीब्रेट्स से ही हासिल करते हैं। उसके बाद वर्टीब्रेट्स फर्स और फीडर होते हैं जो कि मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनकी फ़र को, ठीक है। और फ़िश इंडस्ट्री के थ्रू फिशेस को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इवन कि मोतियों को भी प्रोड्यूस करने के लिए वर्टीब्रेट्स को कुछ इस्तेमाल किया जाता है। सिल्क वॉर्म एक ऐसा होता है, वो एक ऐसा वॉर्म होता है जिससे रेशम बनाया जाता है, ठीक है। और जो सांप का जहर है वो भी मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नुकसानदेह भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। कुछ जहरीले जानवर होते हैं जैसे फ्रॉग और स्नेक्स वगैरह, कुछ पैरासिटिक होते हैं जैसे वॉर्म्स, माइट्स, टिक्स, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को नुकसान पहुँचाते हैं जैसे कि रैट्स वगैरह। और एक वर्टिब्रेट एक होते हैं कीड़े टर्माइट, जिनको सीवी भी बोलते हैं ना, वो बिल्डिंग्स की जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं ना उसको वो ख़राब करते हैं। अब हम लोग आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी लाइफ की, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ऑर्गेनिजम्स बच्चे पैदा करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अपनी पेरेंट्स जैसे होते हैं। और ये वाली जो एबिलिटी होती है ना, ये इसके मुताबिक ही मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स तब्दील होते हुए माहौल के मुताबिक ख़ुद को चेंज कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि
दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है कि सिंपल सेल में डिवीजन होती है और ऑफ स्प्रिंग बन जाता है। गैमीट्स इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होते, और इसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ना उनके बिल्कुल सेम वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं वो पेरेंट दोनों ही पेरेंट्स की कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दोनों पेरेंट्स से ही वो करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं और कुछ नई करेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। अब इसमें इस तरह की रिप्रोडक्शन में गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारी जीन्स में वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है। गैमीट्स जो बनते हैं वो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, और इस तरह से जेनेटिक मटेरियल में मियोसिस के दौरान अल्टरेशंस वगैरह तब्दीलियाँ वगैरह होती हैं। दो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो दो ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स मिक्सअप हो जाते हैं जिससे हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का फ़ायदा ये होता है कि तब्दील होते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे अंदर एडेप्टबिलिटी आती है। हम लोग पिछले लेक्चर्स में बड़ा पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन के लेक्चर्स में। अच्छा, आगे हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स नहीं होते, ये सिंपल बस सेल डिवीजन होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पांच मेथड्स होते हैं, लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच मेथड्स कौन कौन से होते हैं? बाइनरी फिशन, उसके बाद मल्टीपल फिशन, बडिंग, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले बाइनरी फिशन की बात करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिशन का मतलब होता है टूट जाना, यानी कि दो हिस्सों में टूट जाना। ये वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गए दो ऑर्गेनिजम्स बना लेते, यानी कि दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, सिंपल डिवीजन होती है। बैक्टीरिया में ऐसा ही होता है। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले क्रोमोसोम जो होता है ना, सिंगल क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है, यानी कि दो कॉपीज बनती हैं। फिर वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। जब वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। यानी कि ये वाला सेल था, ठीक है, अब एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, ठीक है, और एक जो है ना वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इस पोल पे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये इनवेजिनेट होती है, यानी कि ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, और इधर से भी ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, और ये दरमियान में सेंटर में जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन, ये मिल जाती है। फिर जब ये मिल जाती है ना तो फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे सेल वॉल बन जाती है, और फिर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये होते हैं बाइनरी फिशन। इवन के अमीबा और पैरामीशियम में भी बाइनरी फिशन होती है। उसमें न्यूक्लियस ये होता है कि पहले न्यूक्लियस उनका इलोंगेट होता है, यानी कि न्यूक्लियस लंबा होता है, बड़ा होता है, और फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फिर वो ऑपोजिट पोल्स में जाता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होती है, और फिर इस तरह से पूरा सेल जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दूसरी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है वो होती है मल्टीपल फिशन। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल सेल बहुत सारे सेल्स भी डिवाइड हो जाता है। अमीबा में ज़्यादातर ऐसा होता है, अमीबा एक सिस्ट बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल जब अनफेवरेबल कंडीशन है ना, उसको लगता है कि अभी कंडीशंस ठीक नहीं है, मुझे जो है ना वो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा नहीं करने चाहिए, तो फिर क्या करता है, वो सिस्ट बना देता है। सिस्ट होता है फॉर एग्जांपल एक बॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है, और बीच में साइटोप्लाज्म भी होता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो जो सिस्ट होता है, वो जो बॉल होता है, वो फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, बहुत सारे सेल्स रिलीज हो जाते हैं, और हर जो सेल होता है वो नया अमीबा बना लेता है। इसके बाद एक और टाइप होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, होती है बडिंग के थ्रू। ये प्रोसेस होता है कि बॉडी से ना एक आउट ग्रोथ अपीयर, जिसको हम लोग बड बोलते हैं, यानी कि एक शाख सी अपीयर होती है बॉडी की सरफेस पे ना, और फिर वो वाली जो सरफेस पे वो जो एक शाख सी अपीयर हुई है ना, वो बॉडी से अलग हो जाती है, और फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती है। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी का अगर कोई हिस्सा खो चुका हो, कट ऑफ हो चुका हो ना, तो वो दोबारा से बन जाता है। स्टारफिश और प्लिनेरिया में ये वाली एबिलिटी पाई जाती है। स्टारफिश की पांच आर्म्स होती है ना, अगर आप लोग उसकी एक बाजू को काट दें वो अपना बाजू दोबारा से ग्रो कर लेती है। तो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये दोबारा से अगेन अपनी बॉडी पार्ट को ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट, ये भी एसेक्सुअल तरीका ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है कि स्टेम की या लीव की जो है ना वो होती है वेजिटेशन होती है, यानी कि कलम लगा के जो हम लोग कहते हैं ना, यानी कि स्टेम काट के ज़मीन में लगाते हैं, फिर वो ग्रो करता है। जैसे मुख्तलिफ किस्म के घास होते हैं, ग्रासेस वगैरह, उनको हम लोग रनर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह। और एक होते हैं सकर्स, जैसे बनाना और मिंट। ये दो तरह के जो पौधे होते हैं ना, इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही हम लोग इनको ग्रो करवाते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये है हमारा आज का ये लेक्चर। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। अभी हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी है, ठीक है, ये सारी। अगले में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आगे वीडियो को लाजमी आप लोग शेयर भी किया करें, एंड जैसे ही आप लोग ये पूरा लेक्चर सुनते हैं ना, तो आप लोग ये फ़ौरन से जो है ना, आप हैंड आउट से इसको रीड किया करें, ठीक है, आपको फिर वो भूलता नहीं है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।